मैंने PWFP हैवी वेट चैम्पियनशिप जीता अगेंस्ट राइनो मेट्रॉस लो राइडर डैनी आरजे फैडी इन अ 6-man लैडर मैच। वो ड्रीम वर्ल्ड में हुआ था, अब तो 1 साल भी हो गया। किसी को पता है? आप जानते हैं मुझे या मेरे बारे में सुना कि मैं राइनो से जीतूँ? आप डेफिनेटली, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप राइनो को जानते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि मैं राइनो से जीतूँ। सुनने में आता है कि जो रेसलिंग का जो गेम है ना, ये फिक्स होता है, प्लांटेड होता है सारा। आपसे ये बात किसने कही? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप, मैं आपको 2000 रुपये देता हूँ, आप मुझसे एक पंच खाएंगे? 4000 ले ले। रेडी है? पंच खाएंगे मुझसे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा भाई, पैसों के लिए कोई मार नहीं खाता, ठीक है? और ये तो खेल ही ऐसा है, इसमें आप मारो पीटो जीतो हारो, मार आपको लगनी ही लगनी। तो ये तो खैर इसमें कोई रियलिटी नहीं है, कि फेक का तो कोई वर्ड ही नहीं है बेसिकली। एक यहाँ पे एक छोटा सा एक एलिमेंट होता है स्क्रिप्ट का, हमें दिखाना होता है दो लोग जो लड़ रहे होते हैं उनकी कोई वजह, क्योंकि ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट भी है, ये सिर्फ एक एक मुर्गे लड़ाने टाइप का नहीं है कि दो आए और वो लड़े और वो जख्मी हुए और वो गिर गया। नहीं, हमें एंटरटेनमेंट के लिए ये एक एलिमेंट इसमें ऐड करना होता है, बाकी उसमें क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, खून निकल रहा है, स्वेलिंग हो रही है, दांत टूट रहे हैं, ये सब रियल होता है। और फिर भी अगर किसी का डाउट है तो वो रिंग में आ जाए, क्योंकि मैं खुद एक रेसलर हूँ, मैं एक चैम्पियन हूँ, मैं पाकिस्तान का करंट चैम्पियन हूँ। ये जो मेरा नी है ये टूटा हुआ है, राइट, फ्रंट का मेरा एक दांत टूटा हुआ, ठीक है, मेरे सर में पीछे 8 स्टिचेस हैं, फ्रंट पे मेरे 4 स्टिचेस हैं, छोटी बड़ी बेतहाशा इंजरीज हैं जो हम छोटी इंजरीज से हम काउंट ही नहीं करते नॉर्मली, क्योंकि ये तो खेल का हिस्सा है। तो और वो दुनिया के सामने, जो लोग क्राउड में सामने बैठे होते हैं वो भी इस चीज़ को जो है वो फिर एडमिट करते हैं कि नहीं यार, ये इसका परसेप्शन जो है वो एक गलत है, जो जो एक स्क्रीन पे बैठ के देखने में, क्योंकि रियल में देखने में बड़ा फ़र्क होता है, जो ब्लड निकलता है वो सामने निकलता है। मैं इसमें आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ, जब हम इस स्पोर्ट्स की असल में बात ये है कि जब हम जीते हैं हम आ रहे हैं इसमें, हमारा खून तो निकलता ही है, चोट तो हमें लगती है, ठीक है, और जब हम घर जाते हैं तो वहाँ से हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, बल्कि वो तो एक हमारी जो मेरी जो मॉम है वो तो ऑलमोस्ट मुझे बुरा भला ही कहती है इस चीज़ के ऊपर कि तुम ये क्या करके आ रहे हो, इससे तुम्हें फ़ायदा क्या है? क्रिकेटर जाता है वो तो ट्रॉफीज़ भी लेके आता है, उसकी तो तस्वीरें भी छपती हैं, उसको तो लोग भी तारीफ़ें करते हैं, उसको पैसे भी मिलते हैं, उसको शोहरत भी मिलती है, तुम क्या लेके आए हो ये निशान, चोटें। ऑब्वियसली एक बात है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ माँ बाप बड़ी मेहनतों से बड़े प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं, तो वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा किसी ऐसी चीज़ में जिससे उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है और वो इंजर्ड होकर घर आ रहा हो। अच्छा जॉर्डन भाई, पाकिस्तान में जैसे हमारा, जाहिर सी बात है हमारा लाइफ स्टाइल अलग है, खाने के तरीके अलग है, तो हमारे यहाँ जो रेसलर्स होते हैं वो इतने मस्कुलर नहीं होते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास एक स्पेसिफिक एक कैटेगरी है, वो अलग बात है कि हम चूंकि इस फील्ड में एंटर होना 150 हुए हैं, तो वो वहाँ पे 30-40 साल हो गए इस चीज़ को होते हुए, अब पाकिस्तान में 3-4-5 साल हुए तो अब आना शुरू है। और हेल्थ का तो एक बहुत बड़ा फुकदान है वैसे भी, क्योंकि कोई पूछता नहीं है इस तरह की स्पोर्ट्स को, क्योंकि आप बॉडी बिल्डिंग देख लें, उसको भी कोई परेशान हाल नहीं होता है। लेकिन यह है कि बॉडी वाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, तो कुछ मेहनत करना पड़ती है। जमाल, यानी कि अगर आपको रेसलिंग में आना है तो एटलीस्ट आपको जो है वो फिट तो होना ही है, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते रेसलिंग में, क्योंकि रेसलिंग में जो है आपके जॉइंट्स और आपकी बोन्स जितना कुछ है वो उनका सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके, और फिर दूसरी चीज़ है कि जो हमारी आवाम है, हमारी आवाम को
तो दिखने में भी अच्छा चाहिए। एक पाकिस्तान में जो एथलीट है, रेसलर है आपकी तरह, तो कितना कमा लेता है वो मंथली? मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैंने अभी तक बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस खेले, ठीक है, और तकरीबन मोर देन 70 फाइट्स मैंने खेली। मैंने अपने पूरे कैरियर में शायद 21,000 रुपये कमाए टोटल, और जो मैंने खर्च किए होंगे वो शायद लाखों में होंगे। यानी कि आपको पैसा खर्च करना पड़ा? ऑब्वियसली यहाँ खर्च ही करना पड़ा भाई, यहाँ पाकिस्तान में हमारे सिवाय क्रिकेट के कुछ भी नहीं है। तो गुजर में सर कैसा होता है, कैसे कमाते हो, क्या करते? बस सिंपल वही अपनी जॉब करते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं, वहाँ से जो मेरी अर्निंग होती है उसी से होता है, उसी से मुझे एक्सपेंस अपने रेसलिंग के भी निकालने होते हैं, उसी से मुझे अपने जिम के भी निकालने होते हैं, उसी से अपने डाइट के भी निकालने होते हैं। सर हर खेल में या किसी भी फील्ड में कि जब कोई इंसान आता है तो उसकी दो ही चाहतें होती हैं, पैसा या शोहरत। किसी में शोहरत होती है, किसी में पैसा होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे पास इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं होती। रेसलिंग में, प्रोफेशनल रेसलिंग जो कि दुनिया का महंगा तरीन खेल है, रेसलमेनिया में जब लोग आते हैं 80,000-90,000 की तादाद में कुर्सियाँ भरी हुई होती हैं वहाँ, ठीक है, और पाकिस्तानी अगर काउंट करेंगे लाखों रुपए में उनका जो है वो एक टिकट बनता है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, इसी पाकिस्तान में से लोग ट्रैवल करके यूएस जाते हैं और वहाँ जाके वो रेसलिंग ही देखते हैं। पाकिस्तान में जो है लोग कहते हैं कि मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करो, अपने टैलेंट को प्रमोट करो, तो वाकई ऐसा है या ऐसे ही बातें? कोई वैल्यू नहीं, जीरो वैल्यू, क्योंकि हम मतलब हमें गौरव से ज़्यादा कुछ दिखता ही नहीं है, हम हमारे अपना लोकल टैलेंट हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं करता, सिर्फ गौरव को ही देखना है, हमें उनसे ही मुतासर होना है, हमने उन्हीं को दिखाना है और हमारे लोग भी शायद उन्हीं को देखना चाहते हैं। तो लोकल अभी मुझे नहीं लगता किसी भी स्पोर्ट्स में सिवाय क्रिकेट के, और ख़ासतौर पर प्रो रेसलिंग में, तो इतनी चोटें, इतनी इंजरीज, इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी आपके लोग आपको नहीं देखें तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोई डिसअपॉइंटमेंट की कोई बात नहीं होती, क्योंकि हम जब परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, मैं वो बताऊँ, जब हमारे सामने क्राउड होता है तो हम ये नहीं सोच रहे होते कि हमें इनसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे या हमें इनसे बहुत सारी जो है वो शोहरत मिलेगी या कुछ और मिलेगा, नहीं, हम सिर्फ उनको दिखाना चाह रहे होते हैं कि यार देख लो हमें। मैंने कई दफ़ा ऐसा हुआ, बल्कि हमेशा 99% ऐसे ही हुआ कि मतलब हमने हज़ारों रुपए के अपने कॉस्ट्यूम्स रेडी करवाए, हमने कैमरे लगाए, हम आए रिंग में, चोटे खाएं, सब कुछ किया और सामने खाली कुर्सियाँ। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे मैंने बताया आपको, मैं ROS चैम्पियन रहा हूं, मैं PWFP अल्टीमेट चैम्पियन रहा हूं, मैं PWFP वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन रहा हूं, और मैं इस वक्त आई एम द फर्स्ट एवर चैम्पियन ऑफ PWFP। तो किसी चैनल वाले ने अप्रोच नहीं किया तुम्हें? यार आते हैं, अपना कार्ड भी देते हैं, जब इत्तेफाक से आ जाते हैं कोई बड़ा कोई चीफ गेस्ट आया हुआ होता है, तो अगर चीफ गेस्ट हैवी नहीं है, मतलब कोई उसकी अच्छी प्रोफाइल नहीं है, तो तब भी नहीं आते, और आते हैं, मिलते हैं, बात भी करते हैं, नंबर्स वगैरह भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन बाद में पूछते वाछते नहीं। अच्छा, तुम पाकिस्तान में कौन कौन से टाइटल जीते हो? मैंने सबसे पहले मैंने देखा जीता था ROS चैम्पियनशिप, ROS वर्ल्ड हैवी चैम्पियनशिप, उसके बाद मैंने PWFP अल्टीमेट चैम्पियनशिप देखा, दो दफ़ा जीता, मैं दो दफ़ा के चैम्पियन हूँ। उसके बाद मैंने PWFP हैवी वेट चैम्पियनशिप जीता अगेंस्ट राइनो, मैट्रॉस, लो राइडर, डैनी, RJ फैडी इन अ 6-man लैडर मैच, वो ड्रीम वर्ल्ड में हुआ था, अब तो एक साल भी हो गया, किसी को पता है? आप जानते हैं मुझे या मेरे बारे में सुना कि मैं राइनो से जीतूँ? आप राइनो को तो जानते हैं, आप डेफिनेटली, मैं आपसे कह रहा हूँ आप राइनो को जानते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि मैं राइनो से जीता। इसलिए कि जब मैं जीता था ना, मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने कहा यार अब तो मज़े आ गए, मैं राइनो से जीतूँ, क्योंकि राइनो तो भाई हम तो स्टार हो गए। तो जब मैं नीचे उतरा तो कुछ माइक्स भी आए मेरे सामने मीडिया के, और कुछ उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिए, बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया, अच्छा फॉरेनर्स के भी लिए, अंग्रेज़ों के भी लिए, अच्छा जीता मैं हूँ, इंटरव्यूज उनके भी हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम भाई, होते हैं वो हमारे गेस्ट। जब वही चीज़ TV पर चलती है तो उसमें हार्डली मेरा 10 सेकंड का 15 सेकंड का ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, बाकी सारा गोरा होता है, मतलब हम इस हद तक हम जो है वो गोरी चमड़ी के आगे हम बिल्कुल फ्लैट हो गए कि हमें अब हमारा टैलेंट हमें सिर्फ जो है ना वो कचरा ही लगता है और कुछ भी नहीं लगता।
लेकिन हमें, मुझे अपने लोगों से ये है कि यार अपने लोगों को आप थोड़ा सा जो है ना उनको उनको सपोर्ट करें, वो आगे आना चाह रहे हैं। ये एक आसान खेल नहीं है, रेसलिंग है, ये बहुत बहुत आसान नहीं है, इसमें बहुत चोटें लगती हैं। कोई ये कहता है फेक है, बड़े मज़े से कह रहे हैं ना फेक है, तो आए ना रिंग में आके ट्राई तो करें, एकदम पता तो चले, ताकि जब आपको पता चलेगा तो आपको एहसास होगा कि 10 फुट से 12 फुट से जब बंदा नीचे गिरता है तो क्या फीलिंग क्या होती है, जब वो नीचे आ रहा होता है ना तो उसके आसान कैसे खता होते हैं। तो बड़ा ईजी होता है, लोग कह देते हैं यार नहीं यार फेक है, मिला हुआ है, स्क्रिप्टेड है, नकली है, फेक है, 1000 बातें उनके बोलने के लिए। लेकिन ये है कि जब फिजिकली आप आते हो रिंग तो माहौल दूसरा होता है।